अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको हाइड्रोलिसिस और इसकी टाइप्स एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस की मीनिंग की तरफ चलते हैं। हाइड्रोलिसिस दो अल्फाज से मिलकर बना है, हाइड्रो और लिसिस। हाइड्रो मींस वाटर एंड लिसिस मींस क्लैवेज यानी ब्रेकिंग। यानी हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का OH बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नाउ हाइड्रोलिसिस को डिफाइन करने के लिए चंद पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। हाइड्रोलिसिस इज अ टाइप ऑफ डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विच मींस हाइड्रोलिसिस के अंदर दो रिएक्टेंट्स होंगे और दो प्रोडक्ट्स होंगे। दो रिएक्टेंट्स होंगे सॉल्ट और वाटर, और दो प्रोडक्ट्स बनेंगे एसिड एंड बेस। और बच्चों, हाइड्रोलिसिस इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर बनाते, लेकिन हाइड्रोलिसिस में इसका उलट होगा, इसका रिवर्स होगा। सॉल्ट और वाटर मिलकर एसिड और बेस बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोलिसिस इज अ प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। यानी हाइड्रोलिसिस में प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर होगा सॉल्ट में वाटर से। इस तरह वाटर का बॉन्ड क्लैव हो जाएगा, टूट जाएगा, क्लैविज होगी OH बॉन्ड ऑफ वाटर की, जो कि हाइड्रोलिसिस की लाजमी कंडीशन है। और जब OH बॉन्ड वाटर का ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, जिसके नतीजे में सोल्यूशन की pH चेंज हो जाएगी। सोल्यूशन की pH चेंज होने की बिना पर या तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा। और आखिर में लास्ट इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है, हाइड्रोलिसिस इज ओनली पॉसिबल फॉर वाटर सॉल्युबल आयोनिक सॉल्ट्स। यानी वो सॉल्ट्स जो वाटर सॉल्युबल है और आयोनिक है, सिर्फ उन्हीं की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, बशर्ते कि उन सॉल्ट्स में मौजूद कैटाइन स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्म में हो या फिर एनाइन स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में हो, देन फिर विजिबल हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट पॉसिबल है। और वो सॉल्ट जिनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है वो हाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट्स कहलाएंगे, और जिन सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है वो नॉन हाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट्स कहलाएंगे। और अब हम आते हैं हाइड्रोलिसिस की टाइप्स की तरफ। हाइड्रोलिसिस की दो टाइप्स होती हैं, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस और एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। और स्टूडेंट्स, अब आते हैं हाइड्रोलिसिस के लिहाज से फोर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की तरफ। हाइड्रोलिसिस के लिहाज से सॉल्ट्स जो है वो चार तरह के होते हैं। इस चार्ट के अंदर मैंने तीन टाइप जो है वो लिखी है, चौथी टाइप में आपको बाद में मत समझाता हूँ। सबसे पहली टाइप जो है वो सॉल्ट्स की कहलाती है, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। यानी जो दोनों पार्ट्स हैं सॉल्ट्स के, स्ट्रॉन्ग एसिड से एक पार्ट आ रहा है, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। ये जो सॉल्ट्स है ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट्स है। वजह इसकी ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड में कॉन्जुगेट बेस लगी हुई है और स्ट्रॉन्ग बेस में जो कॉन्जुगेट एसिड लगा हुआ है वो दोनों वीक है और वो वाटर का बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए इनकी हाइड्रोलिसिस मुमकिन नहीं होगी, पीएच सॉल्यूशन की चेंज नहीं होगी जब ये सॉल्ट्स पानी में डाले जाएंगे। इन सॉल्ट्स की पहचान ये है कि इन सॉल्ट्स में कैटाइन Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव एक्सेट्रा होंगे, और जो एनाइन्स है इन सॉल्ट्स में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट वगैरह की फॉर्म में होंगे। यानी जब हम इन कैटाइन को इन एनाइन से कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट्स बनेंगे जो कि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे, और इनकी हाइड्रोलिसिस मुमकिन नहीं है। दूसरी टाइप सॉल्ट की, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस है। ये सॉल्ट्स कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी जो वीक बेस का कैटाइन है यानी कॉन्जुगेट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और वो वाटर का बॉन्ड ब्रेक कर देगा। यानी ये सॉल्ट्स की जो पहचान है वो ये है कि इन सॉल्ट्स के अंदर जो कैटाइन है वो Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव के अलावा होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने कॉपर सल्फेट लिया है, एल्युमिनियम क्लोराइड लिया है, जिंक क्लोराइड लिया है, अमोनियम क्लोराइड लिया है। यहाँ पर कैटाइन्स जो हैं वो Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव नहीं है, तो इन सॉल्ट्स का जो कैटाइन है ये हाइड्रोलिसिस करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट
एसिड है और ये वाटर का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तीसरी टाइप सॉल्ट्स की है सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये सॉल्ट्स भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, जो ये हाइड्रोलिसिस करेंगे वो एनआयोनिक हाइड्रोलिसिस कहलाएगी, यानी एनआयन जो है वो वाटर का बॉन्ड ब्रेक करेगा। एनआयन यानी कॉन्जुगेट बेस जो है वो वाटर का बॉन्ड ब्रेक करेगी, और कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक एसिड से आ रही है, सो वीक एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो वाटर का बॉन्ड ब्रेक कर देगी। इन सॉल्ट्स की पहचान ये है कि इन सॉल्ट्स में जो एनआयन होगा वो अदर देन इन एनाइंस के अलावा होगा, यानी सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव, नाइट्रेट, सल्फेट, ये पांचों एनाइंस नहीं होंगे इन सॉल्ट्स में। और इनकी एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट, पोटेशियम साइनाइड। अब यहां पर जो हाइड्रोलिसिस कर रहा है पार्ट वो है कार्बोनेट, एसिटेट और साइनाइड। ये तीनों जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस है और ये वाटर का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। आते हैं सॉल्ट की फोर्थ टाइप की तरफ। सॉल्ट की फोर्थ टाइप है सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी सॉल्ट के जो दोनों पार्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में है। इस तरह के सॉल्ट्स जो हैं वो दोनों टाइप की हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, यानी कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस भी और एनायोनिक हाइड्रोलिसिस भी परफॉर्म करेंगे। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक, ये डिपेंड करेगा रिलेटिव वैल्यूज ऑफ के ए एंड के बी पर। इफ के ए इज ग्रेटर देन के बी देन सॉल्यूशन वुड बी एसिडिक, इफ के ए इज लेस देन के बी सॉल्यूशन वुड बी बेसिक। लेकिन इन सॉल्ट्स की जब हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो नियरली राउंड अबाउट 7 पीएच के करीब होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है या स्लाइटली बेसिक होता है। और अब इस वीडियो के आखिर में दोनों टाइप की हाइड्रोलिसिस आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि जो सॉल्ट का कैटायन होगा जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्म में होगा वो वाटर का बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब वाटर का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कैटायन ए पॉजिटिव वाटर के ओएच नेगेटिव से मिलकर रेस्पेक्टिव बेस बना लेगा और एक्सेस ऑफ ओएच पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और ये एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे और सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाएगा। जबकि एनायोनिक हाइड्रोलिसिस में जो सॉल्ट का एनायन है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस वाटर का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगी, और ये एनायन वाटर के एच से कंबाइन होकर रेस्पेक्टिव एसिड बना लेगा और ओएच नेगेटिव आयन एक्सिस में जो है सॉल्यूशन में हो जाएगा, और जिसके नतीजे में एच आयन की कंसंट्रेशन ओएच आयन से गिर जाएगी और सॉल्यूशन की पीएच 7 से बढ़ जाएगी एंड टर्निंग द सॉल्यूशन अल्कलाइन। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। सो आई होप के ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपको समझ में भी आएगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा जो वीडियोस आप चाहते हैं कि जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए वो मुझे आप मेंशन कीजिए कमेंट्स के अंदर, तो वो वीडियोस में जल्द से जल्द बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आखिर में आपको जॉन एलियट का एक शेर मैं सुनाता हूँ और उसके बाद हम लेक्चर को खत्म करते हैं। और शेर ये है कि दिल ने वफा के नाम पर कार्य वफा नहीं किया, खुद को हलाक कर लिया, खुद को फिदा नहीं किया। थैंक यू सो मच।